अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? देख लो पहले, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, पूरे त्रिज्या खंड में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले मुझे त्रिज्या निकालनी होगी OB। क्या निकालनी होगी? त्रिज्या OB। अब यहां देखो, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये वाला एक, ये वाला, अगर ये 20 है तो ये भी कितना है? 20 है ना, 20-20 है। और ये वाला एंगल कितने का हुआ? ये आपका 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण वर्ग के कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। अब यहां देखो, समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है जी? OAB में हमको क्या निकालना है? इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है ना। तो हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, इसका मतलब है कर्ण का वर्ग। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। किसके यूज से निकाला मैंने? पाइथागोरस प्रमेय के यूज से, प्रयोग से। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA, कितना मेरे पास? इस तरफ भी 20 है, इधर भी 20 है, 20-20 है, बन गई है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? ये आपका 400 और ये भी आपका 400। OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ जी? 800, 800 स्क्वायर। इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? OB, ठीक है जी, हमने स्क्वायर में शिफ्ट कर दिया। और क्या होगा? अंडर द रूट 800, ठीक है जी। 800 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, इसको लिख सकता हूं 2 × 400 ऐसे, और अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा, और इनटू अंडर रूट 400। 400 का क्या होता है? 20 × 20, 20 × 20, 400, ठीक है। तो ये है 20। इसका मतलब है OB इज इक्वल टू अंडर द रूट 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर द रूट 3। यह है आपके पास OB। क्या है OB? आपके पास त्रिज्या खंड की त्रिज्या है। क्या ये त्रिज्या खंड की त्रिज्या? अतः त्रिज्या खंड की त्रिज्या R बराबर है कितना है? कितना होगा जी? 20 अंडर द रूट 2। इतना क्लियर हो गया? और त्रिज्या खंड का कोण कितना है जी? त्रिज्या खंड का कोण बताओ जी, कितना? त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश है ये। क्या ये चतुर्थांश? देयरफॉर क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है जी? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 से डिवाइड कर दिया जाए। तो इसका मतलब आपके पास देखो, पाई का मान कितना दिया है इसने आपके पास? 3.14। यस सर। आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20 अंडर रूट 2, ये है ना? यस सर। और इनटू 20 अंडर रूट 2, थीटा कितना है? 90, और डिवाइड बाय 360। जल्दी से कैलकुलेट करो इसको, 9 × 4 = 4, ठीक है 4। और यहां देखो 4 × 5 = 5 से कैलकुलेट हो गया। इसका वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी, बताओ कितना आ रहा कैलकुलेशन इसका? सर अंडर रूट का क्या? क्या सर अंडर रूट?
अंडर द रूट, देखो हाँ अंडर रूट जो टू है ना, याद रखो अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू दो होता है, अंडर रूट दो का स्क्वायर हुआ ना, ये कैंसिल हो जाएगी सर, टू बन जाता है, टू हो जाता है, क्या होगा अंडर रूट टू का टू, इसका मतलब कितना होगा देखो 3.14 गुणा यह कितना बचा 5 और यह कितना बचा 20, ठीक है ओके। और यहाँ पर क्या बचा 5 भी बचा 5 20 आ गया, बाकी सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और साथ में आपके पास कितना है, दो बचता था एक और आपके पास, टू भी तो आई है अंडर रूट का, साथ में टू भी तो है, अंडर रूट टू का टू बना ना आपका, ये भी तो है। और आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जल्दी करो, देखो 3×50=100, 100×3=314, 314 का दुगुना कर दो इसको, हो जाएगा 628, कितना आ रहा है 628, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास 628 आ चुका आपके पास, अब आपको निकालना है क्या आपके पास, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है जी, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना मेरे पास, 628, और इसका कितना हो जाएगा 20×20=400, ठीक है हाँ 20×20=400, तो 628 माइनस 400 कितना होगा जी 228 सेंटीमीटर, कितना आया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना क्लियर है जी। आपके पास अभीष्ट जो पूछा गया था क्षेत्रफल कितना आया दिस मच, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, देखो ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है, संकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका केंद्र एक हो, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि एंगल ए ओ बी कोण ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या आपका एचपी बोर्ड में 2012, 11, 10 एंड सो ऑन कई पेपर में आ चुका है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, देखिए इधर देखो, इसमें आप क्या करेंगे ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले बेटा इसमें देखो एक बाहर का त्रिज्या खंड बन रहा है, एक अंदर का बन रहा है, ठीक है, और अंदर वाला जो है देखो इसको मैं स्मॉल आर ले सकता हूं, और ये मेरे पास हो गया कैपिटल आर, क्या ले लिया मैंने कैपिटल आर, अंदर वाले की त्रिज्या क्या ले ली स्मॉल आर, बाहर वाले की त्रिज्या कैपिटल आर, इतना क्लियर हो गया yes, अच्छा अगर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल देना है, क्या लेना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपको ये आर मेंशन करेगा यहाँ लिखना पड़ेगा, बड़े वाला त्रिज्याखंड कौन सा है, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, ओ ए बी की त्रिज्या कैपिटल आर 21 सेंटीमीटर और ओ सी डी की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ए की आपने क्या लेनी कैपिटल आर और छोटे त्रिज्याखंड की लेनी स्मॉल आर, ठीक है। आपको क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे आप देखो, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर है बड़े वाला त्रिज्याखंड, ठीक है जी, त्रिज्याखंड, कौन सा है त्रिज्याखंड, ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस दूसरा त्रिज्याखंड कौन सा है, त्रिज्याखंड ओ सी डी, ओ सी डी का क्षेत्रफल, ये माइनस करना, समझ रहे हो क्या कहा हमने आपको बताया, बाहर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो बाहर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाला त्रिज्याखंड क्या है, देखो सिर्फ इसमें कॉमन एक पाई आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा वाई 360, ठीक है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा वाई 360, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें जो कॉमन टर्म कॉमन ले सकते हैं, देखो पाई क्या वैल्यू कॉमन है आपके पास, ठीक है, पाई की वैल्यू कॉमन है और इसमें थीटा, थीटा की वैल्यू कॉमन, थीटा इसमें कॉमन है और 360 भी कॉमन है, सर नहीं कॉमन है, सर कॉमन है, और अंदर कौन सी वैल्यू बचती है मेरे पास, सर पाई, पाई तो आ गया बाहर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर पाई थीटा बाय 360 और इसको आप फॉर्मूले से भी मैनेज कर सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और जल्दी से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें पाई का वैल्यू कितना मेंशन किया है, क्या इसमें वैल्यू मेंशन पाई की, कोई वैल्यू मेंशन किया है इसका पाई का, नहीं किया, 22.7 नहीं है, अच्छा पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया इसमें, तो आप 22.7 22/7 इनटू थीटा कितना मेरे पास 30 थीटा 360 और कैपिटल आर कितना मेरे पास जमा 60 एक बार जमा और दूसरी बार 21 माइनस 7 लॉजिक, जल्दी कैलकुलेट करो इसको, देखो 22/7 इनटू 0 0 काटो इसकी 12 3 36 12 1/12, ठीक है जी, 21 जमा 7 कितना हुआ 28 हुआ इनटू यहाँ क्या लिखा है 21 माइनस 7 एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा ना, हाँ तो माइनस करके कितना है 21 में 7 या 14 रहा कितना 14, ये लो फिर से कैंसिल हो जाएगा 7 2 14 2 से और भी कैंसिल हो रहा, देखो यहाँ पर क्या आएगा 6 और ये कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 11, ठीक है जी। अब आप देखो अगर आपके पास वैल्यू है, यहाँ क्या मेरे पास 11, ठीक है, इनटू और क्या बचा मेरे पास 28 डिवाइड बाय कितना मेरे पास 3, जल्दी से कैलकुलेट करो उसको डिवाइड करो, देखो 28 28 डायरेक्ट कर दिया मैंने 11 से क्रॉस 8 0 10 3 308 308 बटे 3, जल्दी डिवाइड करो 3018 को डिवाइड करिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्लियर हुआ जी। और इसमें कुछ नहीं है, देखो 3 1 3 क्या, देखो 3 0 0 0 वैसे ही और 3 2 6 दो से जा रही वैल्यू, बाकी बच रही आगे वैल्यू 6 6 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इस प्रकार से हमारा बेटा ये मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक क्लोज होता है।